हेलो, कैसे हैं सब? ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो है डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग। ठीक, हमने अब तक 6 चैप्टर खत्म कर ली। लास्ट अभी स्टाफिंग खत्म किए। आप लोगों ने पता किया स्टाफिंग क्या है? राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम, राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब हम बढ़ चले हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और इस बुक का सेकंड लास्ट टॉपिक डायरेक्टिंग पार्ट ए बस खत्म होने वाला है। 2 चैप्टर बचे हैं पार्ट ए के अंदर। ठीक है, अब देखिए हम पहुंचे हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या होता है और स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग का नंबर क्यों आया? ठीक, देखिए अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्लानिंग, सबसे पहले आया प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने फिजिकल और फाइनेंशियल चीजों को जमा कर लिया। स्टाफिंग के अंदर हमने ह्यूमन रिसोर्स को जमा कर लिया, और डायरेक्टिंग अंदर हम मतलब बिजनेस, हम जमा किए गए लोगों को जिन्हें हमने एम्प्लॉय रखा है उन्हें इनका इस्तेमाल डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इस्तेमाल डायरेक्ट करेंगे, मतलब इस्तेमाल डायरेक्ट करेंगे। सर क्या मतलब? मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस मोटिवेशन इंस्पायरिंग सब डायरेक्टिंग है। सर हमें बात तो हम समझ में आ रही है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि डायरेक्टिंग के अंदर आप स्टाफिंग में भर्ती किए गए लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को ये काम करना है। ठीक है, अच्छा सर, डायरेक्टिंग के अंदर हम बताते हैं। हाँ, डायरेक्टिंग के अंदर आप सामने वाले को बताते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आप लोगों को ये काम करना है। ठीक है, आगे। अब सबसे पहले जैसा कि हमारे चैप्टर के साथ करते हैं, एक डेफिनेशन पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। आइए देखिए मेरे साथ डेफिनेशन। देखिए बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है इसकी मेरे पास। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सी दैट दे लिखी। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है ना? अब हमेशा की तरह इस डेफिनेशन को समझेंगे। आइए, डायरेक्टिंग का मतलब क्या? इस टेलिंग पीपल, लोगों को बताना कि उन्हें करना क्या है, लोगों को बताना कि उन्हें करना क्या है, और इस बात को देखना कि वो अपने बेस्ट एफर्ट से काम कर रहे हैं, और इस बात को देखना कि वो अपने बेस्ट एफर्ट से काम कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए एक बात एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। आइए हम अब एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और जब मैं बड़ा सा कह रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं शादी ब्याह का एग्जाम्पल लूंगा। आइए शादी वगैरह का एग्जाम्पल लेते हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप ना ऑर्गेनाइजर हैं जो शादी वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो आपने प्लानिंग करी, आपसे आके लोगों ने बात करके चले गए लोग कि ऐसे ऐसे है और इतने लोगों का खाना है, 500 लोगों का खाना है, मान लो 500 लोगों का खाना है, और अब आपको सारे अरेंजमेंट करने हैं, ठीक है। वो बजट बजट सब बता रहे हैं, फिर आप प्लानिंग कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो कि बजट के हिसाब से कितनी डेकोरेशन लगानी चाहिए, ठीक है, और 500 लोगों के लिए कितना खाना सफिशियंट होगा, ठीक है। और अगर लोग बढ़ भी जाएं, मान लो 500 की जगह 600 आ जाएं, ज्यादा आ जाएं, तो भी कोई दिक्कत ना हो, मेरे पास समझ ना। तो आप ये बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सब प्लानिंग करने के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करना शुरू करेंगे। आप ये देखेंगे कि सब्जियां और ये सब, फिर वेन्यू कौन सा है, फिर डेकोरेशन के लिए लाइटिंग वगैरह, जो फिजिकली चीजें होती हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में आप उन सबको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। स्टाफिंग के अंदर आप भर्ती लेना शुरू कर देंगे, किसकी, स्टाफ क्रू की, जो खाना डिनर वगैरह सर्व करेगा, और इलेक्ट्रिशियन की, जो बिजली वगैरह का काम देखेगा, फिर शेफ की, जो खाना बनाएगा, भाई 500 लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा, शेफ बनाएगा, उसकी उसको लाना पड़ेगा। स्टाफिंग के अंदर आपने ये सब काम कर दिया, अब आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा किसको, बावर्ची को, शेफ को, कि आपको ये खाना बना के देना है, आपको ये खाना बना के देना है। आप इलेक्ट्रिशियन को बताओगे कि भैया हमें ऐसी डेकोरेशन चाहिए, हम आपसे चाहते हैं कि आप ऐसा काम कर दो। तो देखो ये बोलिएगा, इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, लोगों को बताना कि करना क्या है, और ये देखना कि वो अपनी एबिलिटी का ऑप्टिमम दें, वो अपनी एबिलिटी का ऑप्टिमम दें, ठीक है। ये थी डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन समझ में आ गई? हाँ सर, हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। अच्छा, डेफिनेशन अगर समझ आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में शुरू इस प्रोसेस से होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम शुरू इस प्रोसेस से होता है। प्लानिंग के अंदर आपने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने अरेंजमेंट्स किए, स्टाफिंग के अंदर आपने लोगों को भर्ती किया, डायरेक्टिंग के अंदर अब आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों की भर्ती हुई है तो किस लिए हुई है, और आप लोगों को ये काम करके देना है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का मतलब समझ में, डेफिनेशन समझिए पहले। हाँ सर, हमें डेफिनेशन समझ में आ रही है, ठीक, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे, अब देखो डेफिनेशन समझा दी मैंने, अब देख लेते हैं आज की क्लास में क्या करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन सा तो हो गया चैप्टर का, चैप्टर से आप थोड़ी सी बातचीत हो गई। आइए देखिए आज जो पढ़ने के हैं टॉपिक, क्या क्या पढ़ेगा बताओ। सर सर मैं कहां पे बताओ, सर आपने डेफिनेशन तो हमें पढ़ाई थी, नहीं दोबारा पढ़ा देंगे, नहीं सर हम इसे याद कर लेंगे, याद कर लोगे पक्की बात है, हाँ सर हम याद कर लेंगे, चलो तो याद कर लेंगे। आज हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके नेचर पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, नेचर और इम्पोर्टेंस इतना पढ़ लेते हैं, अगर हमारे पास समय बचता है तो फिर हम पढ़ेंगे एलिमेंट, फिर हम एलिमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं, पहले इतना तो कवर करें आज की क्लास में हम लोग, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें लग गया जाए डेफिनेशन को आपके लिए, तो हमारा जो अगला टॉपिक है डेफिनेशन के बाद वो है इसके नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही बात होती है। तो डायरेक्टिंग के अंदर आपने क्या समझा मुझे बताइए। सर डायरेक्टिंग के अंदर हमने समझा कि हम लोग काम को डायरेक्ट करते हैं, कि भैया हम ये बताते हैं कि काम क्या करना है, बिल्कुल सही। आप डायरेक्टिंग के अंदर क्या करते हैं, सर हम तो ये बताते हैं कि काम क्या करना है, बिल्कुल सही। आइए सबसे पहला पॉइंट डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग
initiate action, directing, initiate action, ठीक। इसको एक आम भाषा में लिखूं, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन को आप क्या बोल सकते हो, स्टार्ट एक्शन, स्टार्ट एक्शन। अरे सर ये कहीं वही पॉइंट तो नहीं है जो अभी आप हमें बता रहे थे? हाँ ये वही पॉइंट है जो मैंने भी आपसे बोला था कि डायरेक्टिंग क्या करती है, ये सबसे पहला काम करके देती है। डायरेक्टिंग क्या, सबसे पहला काम करके देती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक्शन का सबसे पहला स्टेप है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला स्टेप डायरेक्टिंग ही है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ये तीनों इतनी जल्दी जल्दी नहीं होते जितनी जल्दी जल्दी डायरेक्टिंग होती है। डायरेक्टिंग तो हर 15-15 मिनट में हो सकती है। हाँ सर हाँ, अगर मान लो आपका चैलेंजिंग बिजनेस है, चैलेंजिंग बिजनेस मतलब क्रिकेट का एग्जांपल ले लो साहब। हाँ सर बताओ बताओ, क्रिकेट का एग्जांपल ले लो साहब। मान लो सामने वाला बैट्समैन, आप लोग थोड़ी सी अगर क्रिकेट की जानकारी जानते हो तो मैं एग्जांपल में और डीप जा सकता हूँ। हाँ सर हमें एग्जांपल आप बताइए, हम डीप जाएंगे। मान लो कि आपने पहला ओवर डाला, मैडन डाला, ठीक है। दूसरे ओवर से जैसे दूसरे एंड से जिन्होंने दूसरा ओवर डाला उनके ओवर में रन चले गए, तो जो बैट्समैन था वो थोड़ा सेटल महसूस करने लगा, और जब आपका ओवर आया तीसरा तो फिर आपके ओवर में भी रन चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं आपके? बताइए, पहला ओवर मैडन और तीसरा ओवर इतना रन रनों के साथ गया, तो आप देखिए ना, आपने पहला ओवर डाला वो मैडन डाला, फिर जब आपने टीम के लिए तीसरा और अपने लिए दूसरा ओवर डाला, ठीक, तो क्या हुआ, उसमें रन चले गए, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, आपका जो कप्तान होगा, ठीक है, या तो वो डायरेक्टिंग करेंगे या तो वो बताएंगे कि भैया अगले ओवर में तुम्हें क्या करना है, अगर नहीं तो वो फिर ये जिम्मेदारी आप पे छोड़ देंगे, ठीक, कि आपको बताओ फील्ड कैसी चाहिए, फिर आप तुरंत के तुरंत फील्ड को डायरेक्ट करोगे, भैया तुम वहां से वहां चले जाओ, तुम वहां से वहां चले जाओ, आप अपनी बॉलिंग का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल दोगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको सामने की तरफ रन लग रहे हैं, ठीक, सामने की तरफ मतलब फ्रंट में, ठीक है, जिस तरफ बैट्समैन का मूव होता है आपको बिल्कुल फ्रंट में रन लग रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप बॉल बाउंसर मारना शुरू कर दोगे, ठीक, आप कंधे के पास बॉल मारना शुरू कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी बातें होती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो डायरेक्टिंग तो हर 5 मिनट में हो सकती है। डायरेक्टिंग एक्शन का सबसे पहला कदम है। हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, क्यों? देखिए प्लानिंग के अंदर क्या होता है, सर हम प्लान कर रहे हैं कि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम कैसे बनाई जाए। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर्स को छोड़कर बाकी सब कुछ भर्ती कर लेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, उनके बैट, उनकी जर्सी और बसेस, हर चीज, ठीक है। और स्टाफिंग के अंदर हम वो 16 प्लेयर की भर्ती लेंगे जिन 16 प्लेयर्स को इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना है। और डायरेक्टिंग के अंदर जो आपके बड़े बोर्ड है, जैसे हमारा बीसीसीआई है, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट करके भेज देगा आपके कप्तान को, भैया वो तो हर मैच में बोलेगा जीत के आओ, हार किसको पसंद है, ठीक है, बीसीसीआई तो हर मैच के लिए बोलेगा जीत के आओ, ठीक। अब आपका जो कप्तान है, अब सारा दारोमदार उसके हाथ में है, सारा दारोमदार उसके हाथ में है। अब मेरी बात को समझिए, सारी की सारी अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, कप्तान की सारी अथॉरिटी होती है, लेकिन वो अथॉरिटी अपने डेलीगेट करता है। क्यों? क्योंकि अकेला कप्तान पूरी टीम में ना तो भाग के फील्डिंग कर सकता, ना अकेला बॉलिंग कर सकता, ना अकेला बैटिंग कर सकता, ठीक। इंडिविजुअल एफर्ट्स कुछ नहीं है, आपको टीम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मान लीजिए क्रिकेट का एग्जाम्पल नहीं है और एग्जाम्पल है टेबल टेनिस का, और सिंगल सिंगल मैच है, तब तो अकेले सब कुछ अलग 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 सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग स्टेप उठाने होते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो कप्तान है वो बीसीसीआई के गोल को अचीव करने के लिए आपको, चाहो तो आप बॉलर हो, चाहो तो आप फील्डर हो, चाहो तो आप बैट्समैन हो, आपको डायरेक्ट करता रहेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे काम को करो, ठीक है, और तुम ये गलती कर रहे हो, तुम इस गलती को ऐसे करो। हमने क्या लिखवाया था ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग के अंदर,
डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, बताना कि क्या करना है और देखना कि वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट दे, वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट दे। तो पहला पॉइंट समझ में आया? हाँ सर, हमें पहला पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाँ भाई देखो, दूसरा और ज्यादा समझ में आया, कंटिन्यूइंग प्रोसेस, कंटिन्यूइंग प्रोसेस। सर अभी तो आपने बताई थी ये बात। हाँ मेरे को पता नहीं था कि अगला ही पॉइंट हो जाएगा, कंटिन्यूइंग फंक्शन प्रोसेस भी लिखेंगे तो बिल्कुल कंटिन्यूइंग फंक्शन। ठीक है, क्या होता है कंटिन्यूइंग फंक्शन? सर अभी आप जो कह रहे थे कि बार बार बताना पड़ेगा, डायरेक्टिंग तो हर 5 मिनट में हो सकती है। हाँ वही बात है, डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स गाइडलाइंस इशू कर दिए और उसके बाद आप उन्हें सुपरवाइज ही ना करें। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इशू गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर क्या होता है, सुपरवाइज मोटिवेट। मतलब देखिए आपने तो गाइडलाइन इशू कर दी कि मुझे जी एक काम करो, इस महीने में 500 शर्ट्स बनाकर दे दो। ठीक है, लेकिन 500 शर्ट्स बनाने के लिए आपने तो गाइडलाइन इशू कर दी, ना तो आपने उन्हें सुपरवाइज किया, ठीक, और ना ही बार बार जाकर उन्हें मोटिवेट किया, तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए जो आपके क्लास में टेस्ट होते हैं ना, ये आपको सुपरवाइज करने के लिए होते हैं और कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए होते हैं। ठीक है, जिन लोगों के नंबर टेस्ट में कम आते हैं उन लोगों को सिग्नल मिलता है कि अब भैया पढ़ने लगो, टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, और जिन लोगों के नंबर पहले से ज्यादा आते हैं वो लोग मोटिवेट होते हैं। वो लोग कहते हैं अगर हम इतने ला सकते हैं तो हम थोड़े और ला सकते हैं, थोड़े और ऐसे करते करते वो लोग फाइनल के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप डायरेक्टिंग के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि ये जाग गए आप और जाकर फैक्ट्री में बोलाया कि भैया मैं एक महीने बाद आऊंगा 500 शर्ट्स के लिए, ठीक, और फिर आप गए नहीं देखने वो लोग कर क्या रहे हैं, उन्हें दिक्कत क्या आई, कुछ भी ना, तो आपने सुपरवाइज किया, ठीक, और ना ही उन्हें जाकर मोटिवेट किया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? तो वो लोग काम करेंगे, कुछ कुछ ढीले पड़ जाएंगे काम में। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर, क्लियर है। तीसरा, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग काम करती है हर लेवल पे। सर हर लेवल पे होती है, याद करो, भूल गए? अरे सर अच्छा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ भाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोग याद रखा करो, अगर आप लोग बार बार पढ़ाई की बात को भूल जाएंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है सर, हम वादा करते हैं हम आगे से और मेहनत करेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो टॉप लेवल किसको डायरेक्ट करता है? मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल किसको डायरेक्ट करता है? सबॉर्डिनेट लेवल। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर समझ में आ रही, समझ में आ रही। भाई जिस प्रकार से टॉप लेवल अपनी अथॉरिटीज को नीचे नीचे बांटता लाता है, वो अथॉरिटी आपको देता किस लिए है? काम करने के लिए तो देता है। अच्छा हाँ सर सही बात है, अगर टॉप लेवल आपको कह रहा है कि आपके पास शूज बनाने की अथॉरिटी है, इसका मतलब पता क्या है कि आपका काम ही शूज बनाने का है। अरे हाँ सर सही बात है। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टिंग हर लेवल पर होता है। टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताता है, मिडिल लेवल सबॉर्डिनेट लेवल को बताता है। ठीक है हाँ सर समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े, एक बार इन तीनों पॉइंट को सही से मुझे एक बार रिवाइज करा दो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नेचर फीचर और कैरेक्टर स्केच ऑफ डायरेक्टिव, ऑफ डायरेक्टिव। पहला पॉइंट है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, मतलब डायरेक्टिंग स्टार्ट एक्शन। डायरेक्टिंग के अंदर आप बंदे को बताते हैं कि करना क्या है और उसे जनरल गाइडलाइन इशू करके दे देते हैं, एक इंस्ट्रक्शन इशू करके दे देते हैं
जिनके हिसाब से उन्हें आगे आगे काम करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप है किसी काम को करने का, ठीक। प्लानिंग के अंदर आपने दिमाग लगाया कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय व्हेन टू बी डन, ठीक। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने कहा कि फिजिकल और आपके फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को जोड़ना है, ठीक। स्टाफिंग के अंदर आपने लोगों की भर्ती लेना शुरू किया, ठीक। देखिए ऑर्गेनाइजिंग एक तरीके से एक स्टडी होती है इन सब चीजों की, जिन रिसोर्सेज की आपको बिजनेस में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन में तो ह्यूमन रिसोर्स आया था, तो स्टाफिंग और उसमें क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है इनको ऑर्गेनाइज कराना, इनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक। लेकिन ये कैसे ऑर्गेनाइज होंगे और इनकी भर्ती कैसे होगी, इसको स्टाफिंग कहते हैं। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है सर। और डायरेक्टिंग के अंदर आपने लोगों को कहा कि आपको काम क्या करना है। तो अब पहला इनिशिएट एक्शन, दूसरा डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। आप किसी भी एग्जांपल में ले लो, आपके घर के अंदर आपके मदर फादर आपको डायरेक्ट करते हैं, स्कूल के अंदर आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स आपको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर आप अपने बच्चों पे, चिल्ड्रंस पे सुपरवाइज करना बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली उनका रिजल्ट थोड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक है। जो सुपरवाइज आपके ऊपर रखा जाता है, जो आपके ऊपर थोड़ी बहुत पढ़ाई रखी जाती है, थोड़ी बहुत बंदिश रखी जाती है, वो इसीलिए ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाए, तो वो लगातार रखी जाती है, उसी को कहते हैं कंटिन्यूइंग फंक्शन, ठीक है। उसको रोका नहीं जा सकता, ठीक। आगे डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, डायरेक्टिंग हर लेवल पर होता है। क्यों? क्योंकि मिडिल लेवल का काम टॉप लेवल बताता है क्या होता है, और टॉप सबोर्डिनेट लेवल को काम मिडिल लेवल बताता है कि क्या होता है, ठीक है। हाँ सर, अब हम समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है आपके समझ, थोड़ा थोड़ा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे इसे मिटा दो, तभी तो मैं बाकी के पॉइंट्स लिख पाऊंगा। हाँ सर, आप मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो, और बाकी के पॉइंट्स लिखो। मेरे साथ साथ बोलिए, डायरेक्टिंग मींस टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग देम दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद होती जा रही डेफिनेशन। डेफिनेशन का याद होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान को डेफिनेशन चैप्टर की याद नहीं होगी, वो चैप्टर में पहले से पीछे हो गया है, ठीक है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम, बताइए डायरेक्टिंग कहां से कहां के लिए आएगा? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। सर ये तो अभी तो आपने बताई थी बात। हाँ देखो, जो मैं आपसे पिछले पॉइंट्स पर बात कर रहा हूँ, अगले पॉइंट्स में वही बात बना कर दे देते हैं ये लोग। हो सकता है ये लोग मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल, अभी मैंने बनाया था, मुझे फिर से बनाना पड़ा क्योंकि बात एक ही जैसी है, ठीक है। टॉप लेवल डायरेक्ट करता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल डायरेक्ट करता है सबॉर्डिनेट लेवल, ठीक है। मेरी बात समझ आई? तो डायरेक्टिंग किस तरफ से किस तरफ को आता है? टॉप से बॉटम की तरफ को, टॉप से बॉटम की तरफ को, मतलब ऐसे आता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। सबसे ज्यादा जानकारी टॉप लेवल की होती है, वो बात बताता है किसको? मिडिल लेवल को। वो मिडिल लेवल से कहता है कि आप डायरेक्टिंग करिए, आपको ये काम करके देना है, ठीक है। फिर मिडिल लेवल सबॉर्डिनेट लेवल को काम बताता है, फिर सबॉर्डिनेट लेवल उसको काम को करता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हुआ, फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, डायरेक्टिंग इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। सर इसका क्या मतलब है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का, हम आपको बताते हैं। देखिए मैंने आपसे बताया क्रिकेट वाला एग्जांपल, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दूंगा। क्रिकेट वगैरह के एग्जांपल से समझ में अच्छा आता होगा ना। देखिए मैंने अभी आपको बताया, हम जब पहले ओवर में आए तो हमने तो ओवर मेडन डाला, जब हमने दूसरा ओवर डाला तो हमारे ओवर में रन मिट गए, ठीक है। तो अब हमारी परफॉर्मेंस कम हो गई, ठीक है। तो अब हम तुरंत खुद को डायरेक्ट करेंगे कि भाई 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 हमने सेकंड ओवर में रन खाए हैं और वो रन कैसे कैसे गए हैं,
फिर हम उस पर एनालिसिस करेंगे और खुद को बता देंगे। अगर कप्तान हमें बताएगा तो जो कप्तान कहेगा वो सुनेंगे, और अगर कप्तान ने कहा कि आप अपनी एबिलिटी का बेस्ट करो तो फिर हम दिमाग लगाएंगे कि हमको किस जगह बॉल डालनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है डायरेक्टिंग। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब कि कैसे ना करके आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती रहे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, हमें समझ में आ रही है। तो डायरेक्टिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, ठीक। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम मिला शर्ट्स के लिए। किसके लिए काम मिला? शर्ट्स के लिए। आप शर्ट्स तैयार करेंगे, ठीक है, 500 शर्ट्स का आपका बजट है। तो अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि शर्ट्स आप बनाते रहे, और अगर मान लीजिए किसी एक दिन दो दिन या कोई विपदा की वजह से फैक्ट्री उस दिन नहीं चल पाई, ठीक है, तो अब आप खुद को डायरेक्ट कर लेंगे। आप क्या कहेंगे कि भाई अब मुझे ना ये देखना है कि अब ये काम वक्त पर पूरा हो जाए, और मुझे अपनी परफॉर्मेंस को डायरेक्ट करना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रखना है। तो डायरेक्टिंग में जैसे ही परफॉर्मेंस ऊंची नीची होती है, तुरंत के तुरंत डायरेक्टिंग को दोबारा करना पड़ता है। दैट इज व्हाई डायरेक्टिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इसीलिए डायरेक्टिंग एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है ये बात? हाँ सर, आपको ये बात समझ में आ रही है? इसके अंदर एक लाइन लिखवा दूं क्या? हाँ, दो एक लाइन लिख लो, पेपर में फिर याद नहीं रहेगा ना। एक लाइन है, डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स परफॉर्मेंस, डायरेक्टिंग प्लान इनटू परफॉर्मेंस। इसीलिए तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। आप जो प्लानिंग करके आए हैं उसको परफॉर्मेंस में बदलता है। कौन? डायरेक्ट। हाँ सर, हो रहा है, हमारे को स्कूल में आ रहा है। इसका मेन मोटिव होता है ब्रिंगिंग एफिशिएंसी, ब्रिंगिंग efficiency in performance, bringing efficiency in effectiveness। क्या होता है? जो ठीक टाइम पे पूरी करके देते हैं। और efficient कौन होता है? जो less cost में पूरी करके देते हैं। ठीक है, आ रही बात? ये है मास, ये बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। आगे देखिए, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का आप क्या लिखेंगे कि डायरेक्टिंग कन्वर्ट करता है प्लान को, किसके अंदर कन्वर्ट करता है? परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। और इसका मोटिव होता है कि लोगों को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ठीक है। अभी से मिटा दूं, एक पॉइंट तो आ जाएगा, वैसे एक पॉइंट आ जाएगा। ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट के अंदर आपको क्या लिखना है? डायरेक्टिंग मोल्ड करता है इसको, ह्यूमन बीइंग किसको मोल्ड करता है? ह्यूमन बीइंग, ठीक है। डायरेक्टिंग किसको मोल्ड, मोल्ड मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा वो ह्यूमन बिहेवियर को, आपके बर्ताव को, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लेवल तक ले आए। जैसे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, आप लोग कहते हो ना कि हमारे सर स्कूल के जो सर हैं वो हमें बहुत डांटते हैं, वो हमको बहुत हमसे बहुत सेटअप्स करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने काम पूरा नहीं किया। ये वही एग्जाम्पल, वो एक्चुअली में आपका जो बिहेवियर पढ़ाई से थोड़ा सा हटा हुआ है, वो उसको पढ़ाई पर लाने के लिए आपको मोल्ड करते हैं। आ रहा है समझ में? सर मोल्ड का मतलब मजबूर होता है? नहीं नहीं नहीं, मजबूर नहीं करते, वो एक्चुअली में आपके बिहेवियर को थोड़ा सा मोड़ते हैं परफॉर्मेंस की ओर। थोड़ा सा मोड़ने को मोल्डिंग कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, मतलब जब आप अपने टारगेट से थोड़ा दूर होने लगते हैं
जो आपके माता पिता आपको मोल्ड करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको डायरेक्ट करते हैं, वही बात है। ठीक है सर, अब हमें समझ में आ गया। आगे हमने नेचर फीचर और कैरेक्टर स्केच पढ़ा, छह है जिसमें हमें छह के छह पढ़ लिए। ठीक है, हाँ सर जी। अब मैं कह रहा हूँ आप कि अब आप इसमें इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए इसे निकाल दूंगा, फिर आप इंपॉर्टेंस कर लेंगे। आइए सर देखिए, इंपॉर्टेंस देखिए, मैं इसे मिटा दूं, फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर चल पड़ेंगे। तो अभी आपने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा डेफिनेशन और हमने पढ़ा नेचर। बिल्कुल, आपने पढ़ा डेफिनेशन और नेचर। अब हम आगे चलते हैं, हम अब क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर। आइए देखिए, हेडिंग बनाइए। Importance of that. अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अच्छा हाँ एक बार के बाद आप याद रखते हैं, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये रोल, ये सब एक ही बात होती है। हाँ बस ठीक है, तो फिर आगे बढ़िए। टू इनिशिएट एक्शन, टू इनिशिएट पहली इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, डायरेक्टिंग की पहली फीचर थी इनिशिएट एक्शन, उसमें वर्ड लगा था डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, जबकि इंपॉर्टेंस में लगा है टू इनिशिएट एक्शन। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, बात एक ही है, कहीं दो अलग अलग तरीकों से, एक ही बात दो अलग अलग तरीकों से कह रहा है। पहला वो कह रहा है फ्यूचर के अंदर डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, मतलब डायरेक्टिंग एक्शन को शुरू करता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है डायरेक्टिंग टू इनिशिएट एक्शन, मतलब इनिशिएट एक्शन नहीं था इसीलिए डायरेक्टिंग आया, और अब डायरेक्टिंग की वजह से इनिशिएट एक्शन। सर एक ही तो बात है, मैं तो कह रहा हूं आपसे एक ही बात है, बातें अलग अलग नहीं है, लेकिन कहा दो तरीके से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मेरी कंपनी में, मतलब आप, मैं आपकी कंपनी में, आप मेरी क्यों, मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉय हूं और मैं सबसे तेज शर्ट सिल सकता हूं। शर्ट की जो स्टिचिंग है, सिलना है उसे, वो मैं सबसे तेज करता हूं अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा एडवांटेज हुआ, ये मेरा नेचर हुआ, ये मेरी फीचर हुई, मैं सबसे तेज करता हूं। अब क्या बात आई, एक बंदा आया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात आ गई कि अपना सबसे बेस्ट स्टिचिंग मैन बुलाकर लाओ, जो सबसे जल्दी शर्ट को और सबसे सही सिल दे। तो मेरी ऑर्गेनाइजिंग टीम ने मुझे उतारा, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये क्या होता है, इसीलिए देखिए दो ही बात, एक ही बात, मैं शर्ट तेज सिल देता हूँ लेकिन पहलू अलग अलग, जब दूसरी वाली कंडीशन है उसके अंदर मेरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये मेरा बल है, ये मेरी ताकत है, इंपॉर्टेंस ताकत को दर्शाता है। ठीक, ये मेरा रोल को दर्शाता है। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर समझ में आ रही। अब देखो, डायरेक्टिंग टू इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग टू इनिशिएट एक्शन। देखिए बुक्स में और नोट्स वगैरह में क्या लिखा मिलेगा पता है आपको? ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ऑनली, देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन, व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन, व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन। क्लियर हो रही है मैम? हाँ सर हमें क्लियर हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग स्टार्ट तभी करता है जब उसे इंस्ट्रक्शन मिल जाती है।
ठीक है, और इंस्ट्रक्शन मिलने पे को डायरेक्टिंग कहते हैं, एक ही तो बात है। ठीक, हाँ सर, अब हम समझ गए। आपकी एक विशेषता होती है, वही आपकी इंपॉर्टेंस को भी दर्शाती है कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है। ठीक है, हाँ सर, हमें समझ में आ गया। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ चले। हाँ सर, बढ़ चलो। दूसरा पॉइंट है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। ठीक है, डायरेक्टिंग डिफरेंट लेवल्स पे एम्प्लॉय काम करते हैं, डिफरेंट उनकी जॉब होती है, डिफरेंट उनकी जॉब होती है और डिफरेंट उनकी पोजीशन होती है, लेकिन इन सब के एफर्ट्स को, इन सब के एफर्ट्स को पुट टुगेदर करता है, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। इन सब के एफर्ट्स को पुट टुगेदर करता है, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। सर हमें ऐसे समझ में आएगा ही, हम बिना एग्जांपल के भी समझेंगे। अब जिद्दी हो गए यार आप लोग। देखिए एग्जांपल, देखिए आपकी क्रिकेट टीम का एग्जांपल लेते हैं, उसमें सबसे अच्छा बन सकता है एग्जांपल मेरी नजर में। तो आप कप्तान है, मान लीजिए टीम की, आप क्या है, टीम के कप्तान। अब आप देखिए जो बॉलर उस समय बॉलिंग कर रहा है, ठीक, आप उसे गए और डायरेक्ट करके चले आए कि आप ऐसे ऐसे बॉलिंग डालना। ठीक है, फिर आपने फील्डिंग को डायरेक्ट किया कि भाई फील्डर वो ऐसी ऐसी बॉलिंग डालेगा तो हो सकता है कि यहाँ यहाँ या यहाँ पर शॉट्स खेलने की परसेंटेज हो सकती है, भाई कि अगर हम यहाँ पर बॉल डालेंगे तो यहाँ पे बंदा वो शॉट खेलेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ। तो अब उसी समय सेम सिचुएशन में जो आपकी टीम का कैप्टन है, उसने क्या एक बंदे से बात करी? नहीं, उसने दो बंदों से बात करी जो डिफरेंट लेवल पर है इस वक्त, और उनकी दोनों की पोजीशन इस समय डिफरेंट है। लेकिन बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने वही शॉट खेला और फील्डर ने उस शॉट को पकड़ लिया, इसे क्या कहते हैं, एफर्ट्स को पुट टुगेदर किया। इसे क्या कहा, एफर्ट्स को पुट टुगेदर किया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर, हमें समझ में आ रही है। अब देखिए आप इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल में जब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? आपको ऑर्गेनाइजेशन में टास्क मिला 500 शर्ट्स का, आप गए और आपने रॉ मेटेरियल वाले डिपार्टमेंट से कहा भाई 500 शर्ट बनानी है तो कपड़ा देख के लो, ठीक है, और ज्यादा ज्यादा कपड़ा लो और डिस्काउंट मांगो उन लोगों से। जब हम इतना कपड़ा लेंगे उनसे तो हम कुछ डिस्काउंट भी तो चाह सकते हैं। हाँ सही बात है। फिर रॉ मेटेरियल डिपार्टमेंट चला गया रॉ मेटेरियल खरीदने, फिर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बोला, सुनो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तैयार हो जाओ, 500 शर्ट्स की डील मिली है, ठीक, और अब मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दो। 500 शर्ट्स का जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हम लोग भी मार्केट में एक नाम बिल्डअप कर लेंगे, ठीक। आपने प्रोडक्शन को बता दिया, फिर आप गए सेल्स टीम के पास और सेल्स टीम से जाके बोला कि मैंने 500 शर्ट्स की डील पक्की करके आया हूँ, ठीक, अब देखते रहना कि वो डील कहीं छूट ना जाए, उसी और कोई और ना ले ले, पता चला हम रॉ मटेरियल खरीद लें, प्रोडक्शन तैयार कर दें और डील हमारे हाथ से निकल जाए। तो सेल्स टीम ने कहा हाँ जी सर, हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे। तो देखिए एक ही समय पे तीन अलग अलग लोगों से बात करी गई, ठीक, जिनकी डिफरेंट जॉब है, डिफरेंट पोजीशंस है, लेकिन शर्ट के खरीदे जाने से लेकर शर्ट के कपड़े के खरीदे जाने से लेकर शर्ट के कपड़े के शर्ट के बिकने तक सारे एफर्ट्स ही तो लगा रहे हैं। और इन एफर्ट्स को जब आप टुगेदर रख देंगे, जिन एफर्ट्स को जब आप एक साथ में देखेंगे, तो आपको क्या अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, यानी डायरेक्टली इनिशिएट करता है एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को, जितने एफर्ट्स एम्प्लॉय लगाते हैं उन सबको एक कर देता है। ठीक है, आ रहा है सामने? हाँ सर, आ रहा है सामने। यही ठीक, बिल्कुल सेम बात, और कोई इसमें नया टॉप वो नहीं है, वर्ड नहीं है जो मैं आपके लिए ढूंढ के लिए निकाल सकूं। वैसे तो देखिए मैं लिखता भी हूँ इसे भी, और जो वर्ड मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए उसे भी यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इससे आपका बेनिफिट है। मैं इस समय दो काम कर रहा हूँ, मैं
पूरा सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ, बड़ा पूरा पैराग्राफ, और आपके लिए बहुत छोटा सेंटेंस निकाल देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको तो जब नोट्स तो प्रोवाइड होंगी, ठीक, नोट्स आपके पास होंगे, बुक होंगी, उसमें पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा ही, ठीक, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, छोटी सी दो लाइन निकाल दी, जैसे इसके अंदर निकाल दी, समझ रहे? और जबकि आपको नहीं पता बैकग्राउंड में, मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता, बट फॉर योर गुड से, आपके अच्छे नंबरों की कामना करते हुए, मैं इससे भी ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ चले, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मीन्स ऑफ, सर क्या होता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन? देखो, डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ जाकर काम बताकर आने को नहीं कहते। देखो, जब मैंने भी आपको डायरेक्टिंग का एग्जांपल बताया शर्ट्स वाला, तो मैंने तो एक ही डिपार्टमेंट को काम बताया था, वह है रॉ मटेरियल। बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट को तो मैं जाके तैयार करके आया था, उन्हें मैं जाके मोटिवेट करके आया था। उन्हें मैंने क्या किया था, मोटिवेट, मैंने क्या कहा था, मैं भाई रेडी हो जाओ, काम आने वाला है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर्स जारी करना नहीं है। देखिए, यही बात लिखी है इसके अंदर, डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स, डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स, डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स, सुपीरियर राइटिंग, सिर्फ ऑर्डर जारी नहीं करते, वो हमें मोटिवेट करने का भी काम करते हैं, टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। किस लिए मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, टू डू देयर बेस्ट, टू डू देयर बेस्ट एबिलिटी। ओके, ये तो मिट गया यहां से, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा दे देता हूँ। सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट, जो वाला है सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट, और यहां लिखा है मैंने एम्प्लॉय टू डू देयर बेस्ट एबिलिटी, ठीक है, क्लियर? बस हमें ये तीन पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गए। मैं आपको इस मोटिवेशन के ऊपर एक एग्जांपल और दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपलों के बाद एग्जांपल आप जितने मांग सकते हैं मांगिए। मेरे पहला ओवर मैडम किया, दूसरे ओवर में रन पड़ गए, तो मेरे जो कप्तान साहब है वो आए, उन्होंने मुझे बताया आप अपना बेस्ट बॉल डालो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, ठीक है? तो उन्होंने मुझे एक ऑर्डर भी दिया और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया। ऑर्डर दिया कि अब मुझे अपना बेस्ट एबिलिटी देनी है, और मोटिवेट किया कि उन्हें मेरी एबिलिटी पर कोई शक नहीं, ठीक है? अगर एक सुपीरियर आपके ऊपर हाथ रखकर कहता है कि यू आर द बेस्ट, आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, और आपसे बेहतर ये काम आप भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत में आपके सुपीरियर को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? और देखिए, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, अपने जीवन में थोड़ी सी प्रशंसा पाने के बाद कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो पहाड़ तक भी दो हिस्सों में तोड़वा सकता है, ठीक है? लेकिन उसको सही समय पर इस्तेमाल किया कीजिए और खुद भी मोटिवेट रहा कीजिए। तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ मोटिवेट करना नहीं होता, सॉरी, डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ ऑर्डर जारी करना नहीं होता, आपको मोटिवेट भी करना चाहिए सामने वाले, ठीक है? तीन पॉइंट हो गए, आगे बढ़ चले, दो ही पॉइंट बचे हैं। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है प्रेम,
bring stability and balance in the organization. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मेरे साथ देखिए, देखिए bringing stability and balance in the organization, इसका एक इतना अच्छा एग्जांपल है बुक वाला, जो आपके नोट्स में एग्जांपल है ये वाला तो उतना बेहतर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड एग्जांपल। कभी कभी होता है ना कि टीम बैलेंस नहीं चल रही, जो टीम है वो बैलेंस नहीं चल रही। क्यों बैलेंस नहीं चल रही? वो क्योंकि ना वो जो डायरेक्टिंग है ना ढंग से नहीं हो पा रही। ठीक है, लोगों के मन में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, लोगों के मन में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रही है। ठीक, इसीलिए जो टीम में बैलेंस है वो कहीं ना कहीं खोया जा रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर, हमें समझ आ रही। ठीक, अब देखिए इसके होने की वजह से कभी कभी आप कप्तान को बदल कर देखो। ठीक है, टीम ज्यादा बैलेंस महसूस करती है अपने आप। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिंग हो सकता है सही लेवल पर अच्छी जा रही है। ठीक, हाँ सर, हमें समझ आ रहा है। देखिए, डायरेक्टिंग से स्टेबिलिटी आती है, मन के कंफ्लिक्ट्स दूर होते हैं। जब आप सामने वाले को बताते हैं कि आपका रोल क्या है, आपको करना क्या है, आपकी पोजिशन क्या है, ठीक, आपसे मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मोटिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मेरी बात समझ रहे? देखिए, एक सेल्समैन तो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, बस वो ये चाहेगा, चाहे सेल कॉस्ट से एक रुपए महंगे पे हो रही हो। मेरी बात समझ रहे? जबकि जो मैनेजमेंट है वो पूरी स्टडी करेगा। ठीक है, तो इनके बीच में कंफ्लिक्ट रहता है, तो उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्टिंग करी जाती है। हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है। पांचवा पॉइंट जी सर, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, वो पॉइंट कब आया है? टू फैसिलिटेट चेंज। क्या होता है टू फैसिलिटेट चेंज? फैसिलिटेट चेंज मतलब, अरे सर रन पड़े ना ओवर में, वो आया और फिर उसने आकर बताया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे डालो बॉल। हाँ, वही होता है फैसिलिटेट चेंज। मान लीजिए कोई चेंज आ जाए अचानक, ठीक, तो उसको डायरेक्टिंग तुरंत एक्शन में आकर ठीक कर देता है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। अब देखिए, ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पांच पॉइंट हो आई, हम नोट्स बना लें, आज की क्लास को पैक कर देंगे। आज की क्लास में हमने तीन चीजें सी, मेरे साथ साथ सब बता देते हैं जल्दी से। आइए जल्दी से बोलो सर। डायरेक्टिंग मीन्स लीडिंग पीपल व्हाट टू डू एंड then they do it to the best of their ability। लिखी ना बढ़िया, हाथ मिलाइए मेरे साथ, बढ़िया। आगे, अब हमने सेकंड क्या होगा? Teachers मामले में क्या होगा? Directing, initiate, action, और हमने क्या बोला? Importance, और हमने क्या बोला? Importance, जिसके अंदर हमने क्या लिखा? To initiate action, पांच पॉइंट में हमने इंपॉर्टेंस थी, और छह पॉइंट पर हमने
बोल रहे बढ़िया। आओ हमने क्या बोला, फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूइंग फंक्शन, बड़ा डायरेक्टिंग फ्लो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गया नहीं हो गया आगे टू इंटीग्रेट employees' effort or means of motivation bring stability and balance to facilitate change. लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है? हाँ ठीक, क्लियर है। अब देखिए तो अब आगे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ हैप। नेक्स्ट क्लास टॉपिक एलिमेंट्स, क्या डिस्कस करेंगे? एलिमेंट्स क्या डिस्कस करेंगे हम? एलिमेंट्स, ठीक। अब घर जाइए, आज की क्लास यहीं तक थी, नोट्स बनाइए, कंसेप्ट मैपिंग करिए। मैं आशा करता हूं कि आपको कोई ना, आप जो जितना आप कल जानते थे आज आप उससे बेहतर जानते, तो रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? और अच्छे मुकाम पे पहुंचिए, ठीक। अपने दिमाग में कंसेप्ट्स बनाते चलिए और बिल्कुल नहीं फंसना है, पेपर्स करीब आ रहे हैं, ठीक। धीरे धीरे समय हमारे पास कम होता जा रहा है, जो हमारे पास कल था आज उससे कम होता जा रहा है। समय तो उतना ही है, था 12वीं में, और जो खो दिया हमने वो तो आएगा नहीं, जो बचा है हमें उसे अपनी बेस्ट एबिलिटी पर ट्राई करना है। लेट्स हिट फॉर हार्ड, एक बार ट्राई करें, एक बार ही तो एक बार ऐसा हार्ड 12वीं को टैकल करना है कि परसेंटेज क्रैक, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।